Hello, all the students of MSc. In this class, we are talking about the fat-soluble vitamin, that is vitamin D. यानी कि last class में हमने fat-soluble vitamins में vitamin A के बारे में study किया था और आज अब हम जो बात करेंगे वो आता है हमारा vitamin D. तो जब हम vitamin D की बात करते हैं तो generally जो vitamin D है विटामिन डी क्या होगा कि ऑल द इट इज ऑल्सो अ फैट सॉल्युबल विटामिन्स. ये क्या है, एक फैट सॉल्युबल विटामिन्स है. और जो विटामिन डी होता है कि जब हम विटामिन डी के बारे में बात करते हैं, विटामिन डी इज ऑल्सो फाउंड इन टू फॉर्म्स. यानी कि जो विटामिन डी है वो कैसे सिंथेसाइज होता है, इसका नेम क्या है, इसका बायोलॉजिकल फंक्शन क्या है और कौन सी डेफिशिएंसी ये कॉजेस करता है वो हम इस वीडियो में देखेंगे. तो विटामिन डी जो है ये क्या होता है, विटामिन डी इज फाउंड इन द टू फॉर्म एज अ विटामिन डी टू एंड विटामिन डी थ्री. जनरली जो विटामिन डी है वो टू फॉर्म में पाया जाता है. एक आता है विटामिन डी टू. द विटामिन डी टू इज नोन एज अ आर्गो कैल्सीफेरॉल. विटामिन डी टू इज नोन एज आर्गो कैल्सीफेरॉल एंड दिस विटामिन इज सिंथेसाइज बाय द इरेडिएशन ऑफ द एर्गोस्टिरॉल. यानी कि ये एर्गोस्टिरॉल से फॉर्म्ड होता है जो कि एक तरीके से हम कह सकते हैं ये क्या है, हमारा विटामिन डी का प्लांट सोर्स है. यानी कि प्लांट सोर्स से जो विटामिन डी होता है दैट इज द एर्गो कैल्सीफेरॉल. और जो क्या होगा, किसके एर्गोस्टिरॉल के थ्रू, यानी कि एर्गोस्टिरॉल के थ्रू क्या फॉर्म्ड होता है, एर्गो कैल्सीफेरॉल का फॉर्मेशन होता है. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं विटामिन डी थ्री, इट ऑल्सो नोन एज कॉलिक कैल्सीफेरॉल. विटामिन डी थ्री इज अ कॉले कैल्सीफेरॉल एंड इट्स वी कैन से इट इज द एनिमल सोर्स. यानी कि जनरली अगर हम विटामिन डी की बात करते हैं तो विटामिन डी क्या होता है कि फॉर्म्ड नहीं होता, सिंथेसाइज्ड होता है. तो अगर हम एनिमल्स में बात करें तो जो विटामिन डी थ्री होता है ये किससे होता है, ये 7-dehydroxy जो 7-dehydrocholesterol होता है उससे क्या बनता है, हमारा कॉलिक कैल्सीफेरॉल का फॉर्मेशन होता है. तो इस तरीके से जनरली अगर हम बात करते हैं तो विटामिन डी क्या होगा, उसकी टू फॉर्म होती है, एक होता है डी टू एंड एक होता है डी थ्री. डी टू इज नोन एज एर्गो कैल्सीफेरॉल जो कि किससे, एर्गोस्टिरॉल से फॉर्म्ड होता है एंड डी थ्री इज नोन एज कॉलिक कैल्सीफेरॉल जो कि किससे फॉर्म्ड होता है, 7-dehydroxy कोलेस्टेरॉल से फॉर्म्ड होता है. तो ये जनरली इसकी टू फॉर्म्स प्रेजेंट होती है. जो विटामिन डी होता है ये विटामिन डी क्या होगा, ये केवल अगर हम बात करते हैं एक विटामिन नहीं है, इट्स अ प्रिकर्सर ऑफ हार्मोन. यानी कि जनरली क्या है कि विटामिन डी इज आल्सो वर्किंग एज अ हार्मोन प्रिकर्सर. किसके फॉर्म में वर्क करता है, जो हार्मोन के प्रिकर्सर्स के फॉर्म में वर्क करता है. अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका फॉर्मेशन देखते हैं कि विटामिन डी जो होता है या विटामिन डी थ्री का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है. जैसे हमने बात करी थी कि विटामिन डी थ्री जो होता है वो किससे फॉर्म्ड होता है, अगर हम विटामिन डी का फॉर्मेशन देखते हैं तो विटामिन डी के फॉर्मेशन में होता क्या है कि जनरली 7-dehydrocholesterol जनरली क्या होता है, जो स्किन की एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस ऑफ स्किन, स्किन की एपिडर्मिस में क्या प्रेजेंट होता है, 7-dehydrocholesterol प्रेजेंट होता है. अब ये जो 7-dehydrocholesterol होता है इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी, या हम कह सकते हैं यूवीबी या सनलाइट. तो ये जो 7-dehydrocholesterol होगा जो कि एपिडर्मिस स्किन में प्रेजेंट होता है, एनिमल की हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर प्रेजेंस ऑफ यूवीबी यानी कि सन जो लाइट होती है, सन रेडिएशन की अगर हम बात करते हैं, सनलाइट में ये क्या हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है इन टू द
call a calciferol. किसमें कन्वर्ट हो जाता है? कॉले कैल्सीफेरोल में कन्वर्ट हो जाता है एंड इट इज नोन एज द विटामिन डी थ्री. ये क्या होता है? इट इज अ विटामिन डी थ्री. जो विटामिन डी थ्री होता है इट इज अ प्रो विटामिन. ये क्या है? ये प्रो विटामिन है. तो जब डायरेक्ट सनलाइट में या अगर हम बात करते हैं सन रेज में, हम जब रेडिएशंस में होते हैं तो क्या होता है, जो बॉडी में प्रेजेंट या हम कह सकते हैं स्किन एपिडर्मिस में प्रेजेंट 7D हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल यूवी रेज में, यूवीबी सनलाइट में किसमें कन्वर्ट होता है? कॉले कैल्सीफेरॉल में कन्वर्ट होता है. अब ये कॉले कैल्सीफेरॉल जो होता है, एक तरीके से हम ये नहीं कह सकते इट इज नॉट अ बायोलॉजिकली फंक्शनल, यानी कि जो वाइटामिन डी थ्री होता है इट इज नॉट अ बायोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी. ये बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म्ड नहीं होती है. इसका क्या होता है? एक्टिवेशन होता है, देन इट कन्वर्टिंग इनटू द एक्टिवेटेड फॉर्म. तो जब हम इसके एक्टिवेशन की बात करते हैं, अब ये कॉले कैल्सीफेरॉल क्या होता है? इन द लीवर, यानी कि यहां पर क्या होगा, टू स्टेप्स में वर्किंग होती है कि इन द लीवर द 25 हाइड्रोक्सिलेज कहां पर? लीवर में. इन लीवर 25 हाइड्रोक्सिलेज इन द प्रेजेंस ऑफ 25 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम एंड एनए डीपीएच एंड साइटोक्रोम P45 एंड द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. क्या क्या है यहाँ पर? कि लीवर में 25 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम NADPH एंड साइटोक्रोम P45 एंड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में दिस कॉले कैल्सीफेरॉल इज कन्वर्टेड इनटू द 25 हाइड्रोक्सी कॉले कैल्सीफेरॉल. ठीक है, फर्स्टली क्या होता है, यहां हम बात कर रहे हैं कि जो 7D हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल होता है ये एपिडर्मिस में प्रेजेंट होगा. तो ये एपिडर्मिस में, यानी कि ये क्या होगा, कन्वर्ट होता है किसमें? बाय द प्रेजेंस ऑफ यूवी रेज ये विटामिन D3 में कन्वर्ट होता है. बट विटामिन D3 इज ऑल्सो नॉट अ बायोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी. ये क्या होती है कि विटामिन D3 भी एक्टिवली प्रेजेंट नहीं है, यानी कि एक्टिवली बायोलॉजिकल फंक्शन नहीं करती है. तो इसका बायोलॉजिकल फंक्शन या इसकी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होना रिक्वायर्ड होता है. अब बायोलॉजिकली फंक्शन ये कैसे एक्टिव होता है कि कॉले कैल्सीफेरॉल जो कि लीवर में क्या होता है कि यहां पर इसका हाइड्रोक्सिलेशन होता है. हाइड्रोक्सिलेशन किस की प्रेजेंस में होगा? 25 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में. तो 25 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम एंड NADPH एंड साइटोक्रोम P450 की प्रेजेंस में ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? 25 हाइड्रोक्सी कॉले कैल्सीफेरॉल में कन्वर्ट हो जाता है. फिर इसका अगेन क्या होता है, इसका अगेन कन्वर्जन होता है किसमें, यानी कि इसके एक्टिव फॉर्म में. अब इसका जो यहां पर अगर हम बात करते हैं जो 25 हाइड्रोक्सी कॉले कैल्सीफेरॉल होता है इट इज द मेजर स्टोरेज एंड सर्कुलेटरी फॉर्म ऑफ विटामिन डी. जो 25 हाइड्रोक्सी कॉले कैल्सीफेरॉल होता है ये क्या होती है? एक स्टोरेज या हम कह सकते हैं मेजर सर्कुलेटरी फॉर्म होती है विटामिन डी की. तो ये कहां आता है? किडनी में. एंड इन किडनी इन द प्रेजेंस ऑफ 1 अल्फा हाइड्रोक्सीलेज कहां पर? यहां है किडनी. इन अल्फा 1 अल्फा हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये किसमें कन्वर्ट होता है? 125 हाइड्रोक्सी कॉले कैल्सीफेरॉल. सो इट दिस कॉले वन ट्वेंटी फाइव डाई हाइड्रोक्सी, सॉरी ये क्या है, डाई हाइड्रोक्सी
1,25-dihydroxycholecalciferol is also known as calcitriol. Calcitriol and it is the active form of vitamin D. की क्या होती है? ये mainly इसकी active form होती है of the vitamin D की. तो यहाँ पर generally क्या होता है? Body में इसका conversion होता है, यानी कि formation होता है. एक बार हम फिर से revise करते हैं. क्या होता है? कि body में 7-dehydrocholesterol कहाँ present होता है? Epidermis में, यानी कि skin की epidermis में present होता है. ये 7-dehydrocholesterol सनलाइट में या हम कह सकते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ये कन्वर्ट होता है कॉलेकैल्सिफेरॉल में, दैट इज नोन एज द विटामिन डी. यहाँ पर विटामिन डी का फॉर्मेशन हो रहा है, बट इट इज अ प्रो विटामिन. ये क्या है? प्रो विटामिन है. ये क्या नहीं कर सकता है? बायोलॉजिकली एक्टिवली नहीं है. ये कैसा है? बायोलॉजिकल एक्टिव नहीं है. सो दिस एंजाइम हैज टू कन्वर्ट इट इंटू द एक्टिव फॉर्म. तो जो इसकी एक्टिव फॉर्म होती है वो क्या है? इसकी 1,25-dihydroxycholecalciferol या जिसको हम कहते हैं calcitriol. तो ये जो 1,25-dihydroxycholesterol होता है ये किसमें फंक्शन करता है? ये मेन तो रेगुलेट करता है जीन एक्सप्रेशन में. तो एक तरीके से ये इसकी एक्टिव फॉर्म है. अब ये एक्टिवेट कैसे होगी? कि ये जो विटामिन D3 होता है ये कहाँ? इन द लीवर. किसमें? यहाँ पर इसका हाइड्रोक्सिलेशन होगा लीवर में. हाइड्रोक्सिलेशन के लिए एंजाइम कौन सा वर्क करता है? 25 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम NADPH एंड साइटोक्रोम P45 वर्क करता है. और ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? 25 हाइड्रोक्सी कॉलेकैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट हो जाता है. ये जो 25 हाइड्रोक्सी कॉलेकैल्सिफेरॉल है ये क्या है? मेजर स्टोरेज एंड सर्कुलेटरी फॉर्म होती है विटामिन डी की. अब ये सर्कुलेट होकर कहाँ आता है? किडनी में. एंड इन किडनी बाय द प्रेजेंस ऑफ अल्फा 1-hydroxylase एंजाइम इट्स कन्वर्टिंग इनटू द 1,25-dihydroxycholecalciferol. यानी कि यहाँ पर क्या होगा? इसको ट्रायल, क्योंकि यहाँ 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है. तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? बायोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. तो इस तरीके से ये किसमें प्रेजेंट होता है? ये इनएक्टिव फॉर्म में, यानी कि डायरेक्टली नहीं प्रेजेंट होता है, सिंथेसाइज्ड होता है. तो इस तरीके से विटामिन डी की अगर हम बात करते हैं तो विटामिन डी क्या है? कि विटामिन डी 2 फॉर्म में प्रेजेंट है. एक आता है विटामिन D2 एंड एक आता है विटामिन D3. D2 अर्गे कोलेस्टेरॉल, एर्गो कोलेस्टेरॉल होता है जो कि अर्गो स्टेरॉल से फॉर्म्ड होता है, वो प्लांट सोर्सेज से फॉर्म्ड होता है. और जब हम बात करते हैं विटामिन D3 की तो ये क्या है? एक तरीके से एनिमल सोर्सेज वाला विटामिन है और जो कि जनरली किससे फॉर्म्ड होता है? 7-hydroxy कोलेस्ट्रॉल से फॉर्म्ड होता है. अब अगर यहाँ पर हम विटामिन डी की या विटामिन डी की डेफिशिएंसी की बात करते हैं तो विटामिन डी जो होता है वो मेजरली 2 डेफिशिएंसी कॉजेस करता है. एक आती है रिकेट्स एंड एक आती है ऑस्टियोमलेशिया. 2 डेफिशिएंसी मेजरली आती है. एक आती है रिकेट्स इन चिल्ड्रन एंड सेकेंड आती है ऑस्टियोमलेशिया, जो कि किसमें आती है? एडल्ट में. अब इसका जैसे हमने बात करी कि विटामिन डी जो होता है वो क्या फंक्शन कर रहा है, कि एक तरीके से ये रेगुलेट करता है किसका, कि विटामिन डी इज कन्वर्टेड बाय एंजाइम इन द लीवर एंड किडनी इनटू 1,25-dihydroxycholecalciferol. अब ये क्या है? इट इज अ हार्मोन दैट रेगुलेट द कैल्शियम अपटेक इन द इंटेस्टाइन एंड कैल्शियम लेवल इन किडनी एंड बोन. तो जनरली जो विटामिन डी है वो क्या करता है? कैल्शियम और फॉस्फोरस के इंटेस्टाइन में या किडनी में, बोन में क्या करता है? इनके लेवल को, या हम कह सकते हैं इनके इनटेक को, अपटेक को क्या करता है? रेगुलेट करता है. तो ये डेफिशियंसी भी क्या कॉज करता है? ये डेफिशियंसी भी कॉज करता है जो कि बोन से रिलेटेड है. तो ये कौन सी होता है? रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया को कॉजेस करता है. रिकेट्स किसमें कॉज कर रहा है? रिकेट्स कॉज रहा है ये चिल्ड्रंस में, यानी कि जो एक तरीके से छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें क्या कॉजेस करता है? रिकेट्स होता है, यानी कि जो इनकी बोन्स होती हैं इनमें कैल्शियम कम फॉर्म्ड होता है, कैल्शियम डिपोजिशन नहीं होता है. और जो बोन्स होती है वो कैसी होती है? हार्ड नाव का स्पॉन्जी फॉर्मेशन में होती है. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ये आते हैं ऑस्टियोमलेशिया. ऑस्टियोमलेशिया भी क्या है? ये किसकी है? ये भी विटामिन डी की ही
डेफिशिएंसी आती है, लेकिन ये किस में होती है, अडल्ट में होती है। जैसे चिल्ड्रन में रिकेट्स होता है, उसी तरीके से अडल्ट में क्या होता है, ऑस्टियोमलेशिया होता है। किसकी वजह से हो रही है, विटामिन डी की वजह से हो रही है। यानी कि क्या होगा कि जो इसकी कैल्शियम की अपटेक है, यानी कि इंटेस्टाइन में या कैल्शियम का जो लेवल होगा किडनी में या बोन में, जो डिपोजिशन का प्रोसेस जो होता है वो मिस, या हम कह सकते हैं मेलफॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरीके से ये क्या कॉजेस कर देते हैं, रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया कॉजेस कर देते हैं। इसके अलावा जनरली क्या होता है कि विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी आती है उसमें आता है रीनल रिकेट्स। अगर हम नेक्स्ट भी अगर हम बात करते हैं एक डेफिशिएंसी की, वो आता है रीनल रिकेट्स और रीनल रिकेट्स। रीनल रिकेट्स किसकी वजह से कॉजेस होता है, रीनल रिकेट्स कॉज्ड होता है कि विटामिन डी जो होता है कि एक तरीके से डिफेक्टिवली फॉर्म्ड हो जाता है। विटामिन डी का जो फॉर्मेशन होता है वो डिफेक्टिवली फॉर्म्ड हो जाता है, तो क्या कॉजेस हो जाता है, रीनल रिकेट्स का कॉजेस हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम फैट सॉल्युबल विटामिन में बात करते हैं तो वो आता है हमारा विटामिन के। ये हमने बात करी थी विटामिन डी के बारे में, तो नेक्स्ट आता है हमारा विटामिन के। जो विटामिन के है, इट इज नॉट अ विटामिन, इट इज ऑल्सो अ कोफैक्टर। ये विटामिन के जो है, या हम कह सकते हैं फैट सोलेबल विटामिन में एक सिंगल विटामिन है जो कि क्या करता है, एज अ को एंजाइम भी वर्क करता है। विटामिन भी है साथ के साथ क्या करता है, को एंजाइम के फॉर्मेशन में भी ये वर्क करता है। तो एक चीज और कि हमने विटामिन डी को क्या बोला, हार्मोन क्यों बोला, क्योंकि ये क्या करता है, टारगेट ऑर्गन पर वर्क कर रहा है। टारगेट ऑर्गन में हमने क्या बोली, जैसे किडनी हो गई, स्किन हो गई, बोन्स हो गई, इंटेस्टाइन हो गई, ये इन पे टारगेटेड रूप में वर्क करता है। दैट्स व्हाई इट द विटामिन डी इज आल्सो नोन एज अ हार्मोन। इसको हम क्या बोलते हैं, हार्मोन भी बोलते हैं। अब हम आते हैं विटामिन के पर। तो विटामिन के है, विटामिन के इज आल्सो अ विटामिन एज वेल एज इज अ को एंजाइम। ये अकेला विटामिन है जो कि को एंजाइम के फॉर्मेशन में वर्क करता है। जनरली अगर हम विटामिन के की बात करते हैं तो विटामिन जो के है, ये विटामिन के इज फाउंड इन द टू फॉर्म्स। विटामिन के क्या होते हैं, विटामिन के भी टू फॉर्म में होता है, विटामिन के वन एंड विटामिन के टू। दो फॉर्मेशन में मिल रहा है, एक आता है विटामिन के वन और एक आता है विटामिन के टू। जो विटामिन के वन होता है, इट ऑल्सो नोन एज फाइलोक्विनोन। विटामिन के वन इज नोन एज फाइलोक्विनोन एंड विटामिन के टू इज नोन एज मेनाक्विनोन। विटामिन के इज द, जो विटामिन के वन है जिसको हम फाइलोक्विनोन बोलते हैं, इट्स फाउंड फ्रॉम द प्लांट सोर्सेस। यानी कि विटामिन के वन किससे मिलता है, प्लांट सोर्सेस में से। जैसे हम कहते हैं जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल से जो फॉर्म्ड होता है, दैट इज द विटामिन के वन। वो कौन सा होता है, विटामिन के वन होता है। और जो एनिमल सोर्स से हमें विटामिन के मिलता है, दैट इज द विटामिन के टू एंड इट इज ऑल्सो नोन एज अ मेनाक्विनोन। इसको हम क्या कहते हैं, मेनाक्विनोन कहते हैं। जनरली अगर हम बात करते हैं दोनों ही, फाइलोक्विनोन एंड मेनाक्विनोन, इट मींस विटामिन के वन एंड विटामिन के टू, बोथ आर द नेफ्टोक्विनोन डेरिवेटिव्स। दोनों कैसे होते हैं, नेफ्टोक्विनोन डेरिवेटिव्स हैं एंड दे हैव अ आइसोप्रिनोइड साइड चेन ऑफ फैटी एसिड। जनरली क्या होगी कि दोनों ही नेफ्टोक्विनोइड जो होते हैं उसके डेरिवेटिव है विद द फैटी एसिड, आइसोप्रिनोइड फैटी एसिड साइड चेन। तो दोनों में क्या होती है, फैटी एसिड की साइड चेन प्रेजेंट होती है। या अगर हम फाइलोक्विनोन में बात करते हैं तो फाइलोक्विनोन में साइड चेन कितनी की होती है, 20 कार्बन की होती है। और अगर हम मेनाक्विनोन की बात करते हैं तो मेनाक्विनोन को क्या होता है, इसमें होती है 30 कार्बन की साइड चेन। तो जनरली विटामिन के इज अ ग्रुप ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन नीड्स फॉर ब्लड कॉग्यूलेशन एंड फॉर द प्रोटीन रिक्वायर्ड्स। यानी कि जो विटामिन के होता है वो क्या होता है, एग्जिस्टेड इन द टू नेचुरल फॉर्म, विटामिन के वन एंड के टू। जनरली टू फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इट इज नोन एज फाइलोक्विनोन एंड मेना
क्यूनोन, के टू इज नोन एज अ माइना क्यूनोन। ये जनरली क्या होता है, विटामिन के टू कैसा है, एक स्टोर्ड है। जनरली इसमें क्या होगी, दोनों में ही के वन और के टू में डिफरेंटली साइड चेन प्रेजेंट होती है। अब अगर हम इनके फंक्शंस की बात करते हैं, विटामिन के टू के फंक्शंस की बात करते हैं, तो विटामिन के टू का जो मेन फंक्शन होता है, द प्रिंसिपल रोल ऑफ विटामिन के इज द पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन ऑफ वेरियस ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। जनरली या अगर हम इसका मेजर फंक्शन अगर हम बात करते हैं विटामिन के का, वो क्या है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, या हम कह सकते हैं पोस्ट ट्रांसलेशन कार्बोक्सिलेशन होता है, किसका, कोफैक्टर्स का, जो ब्लड कोगुलेटिंग फैक्टर होते हैं, फैक्टर सेकेंड, फैक्टर सेवन, फैक्टर नाइन एंड टेन। तो इनको क्या करता है, ये पोस्ट ट्रांसलेशन कार्बोक्सिलेशन के थ्रू इनको एक्टिवेट करने का वर्क करता है। इसके साथ साथ ये क्या करता है, इसके साथ साथ ये वर्क करता है किसका, इनहिबिटेटर के रूप में वर्क करता है, किसके लिए, प्रोटीन सी एंड प्रोटीन एस के लिए। तो ये एक तरीके से क्या करते हैं, जो प्रोटीन सी होता है एंड प्रोटीन एस होता है, ये क्या वर्क करते हैं, ये एंटीकॉगुलेंट होते हैं। तो इनको इनहिबिटर के रूप में जो वर्क करता है वो कौन करता है, इनहिबिट्स कौन करेगा, विटामिन के करता है। इसके अलावा ये क्या करता है, बोन मैट्रिक्स प्रोटीन के फॉर्म में, यानी कि जो बोन के फॉर्मेशन होता है, जो ऑस्टियोकैल्शियम की अगर हम बात करते हैं, ऑस्टियोकैल्शियम के फॉर्मेशन के लिए किसकी रिक्वायर्ड होती है, विटामिन के की रिक्वायर्ड होती है, और वो क्या करता है, बोन का फॉर्मेशन करता है। तो मेजरली अगर हम बात करते हैं तो विटामिन के तीन मेजर फंक्शन होते हैं। एक तो क्या करता है, ये पोस्ट ट्रांसलेशन कार्बोक्सिलेशन करके क्या करता है, ब्लड कोगुलेटिंग जो फैक्टर्स होते हैं उनको एक्टिवेट करता है। कौन कौन से हो गए फैक्टर्स में, ब्लड कोगुलेटिंग फैक्टर, फैक्टर सेकंड, फैक्टर सेवन, नाइन एंड टेन। इनके थ्रू क्या होता है कि इनके थ्रू ये इनको एक्टिव करने का फॉर्म्ड करता है, ब्लड कोगुलेशन में हेल्पिंग होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ये क्या करता है, इनहिबिट करता है किनको, प्रोटीन सी एंड प्रोटीन एस को। प्रोटीन सी और प्रोटीन एस क्या करते हैं, ये एंटीकॉगुलेंट के फॉर्मेशन में वर्क करते हैं। तो इनके वर्क को इनहिबिट करने का वर्क भी विटामिन के करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो वो आता है हमारा बोन मैट्रिक्स प्रोटीन के फॉर्मेशन में, यानी कि बोन मैट्रिक्स का जो प्रोटीन होता है उसका फॉर्मेशन करता है। क्या वर्क होगा उसका, कि इसके थ्रू जो बोन मैट्रिक्स प्रोटीन है वो क्या फॉर्म्ड करता है, ऑस्टियो कैल्शियम का फॉर्मेशन करता है, और उस ऑस्टियो कैल्शियम से क्या होता है, बोन फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से ये थ्री मेजरली फंक्शन परफॉर्म करता है, कौन, विटामिन के। तो विटामिन के क्या, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो विटामिन के की थ्री डिफरेंट फॉर्म प्रेजेंट होती है, K3, K4, K5। ये तीनों ही कैसी है, सिंथेसाइज्ड फॉर्म है। विटामिन थ्री की अगर हम बात करते हैं विटामिन के की, तो विटामिन के की क्या है, K3, K4, K5 तीनों ही क्या है, ये आर्टिफिशियली सिंथेसाइज फॉर्म है विटामिन के की, यानी कि हम आर्टिफिशियली भी क्या किया है, विटामिन के का फॉर्मेशन किया है। तो ये सिंथेसाइज्ड हुए हैं, ये भी विटामिन के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इनमें स्पेशली जब हम बात करते हैं विटामिन K3 की, तो विटामिन K3 जो होता है इसको बोला जाता है मैनाडायन। विटामिन के को क्या कहा जाता है, मैनाडायन कहा जाता है, और ये एक ऐसा विटामिन है जो कि कैसा होगा, वाटर सॉल्यूबल। कि जनरली अगर हम बात करते हैं विटामिन के कैसा है, फैट सॉल्युबल विटामिन है, लेकिन विटामिन K3 कैसा होता है, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। तो ये आर्टिफिशियल यानी कि सिंथेटिक फॉर्म्ड है किसकी, विटामिन के की। तो नेचुरली फॉर्म्ड कौन सी होती है, K1 एंड K2। K1 एंड K2 विटामिन के की नेचुरल फॉर्म है। K1 जिसको हम फाइलोक्विनोन बोलते हैं, ये प्लांट सोर्स से मिलता है, मेन स्पेशली हम बात करते हैं ग्रीन लीफ वेजिटेबल से। और जब हम K2 की बात करते हैं तो K2 जिसको हम मैनाक्विनोन बोलते हैं, ये किससे फॉर्म्ड होता है, ये जनरली फॉर्म्ड होता है इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, यानी कि एनिमल सोर्स में अगर हम बात करते हैं तो ये इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया के थ्रू फॉर्म्ड होता है। दोनों ही विटामिन क्या है, नेप्ताक्विनोन डेरिवेटिव होते हैं विद द आइसोप्रिनोइड लॉन्ग साइड फैटी एसिड चेन के थ्रू। मेन फंक्शन क्या आता है, ब्लड कोगुलेटिंग फैक्टर के ट्रांसलेशन में,
यानी कि उनके ट्रांसलेशन में वर्क करना होता है। तो ये हमारे टू वाइटामिन आते हैं, वाइटामिन डी एंड वाइटामिन के, जो कि हमारे फैट सॉल्युबल वाइटामिन है। नेक्स्ट क्लास में हम वाइटामिन ई एंड वाटर सॉल्युबल वाइटामिन के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।